Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication method. इस पर जो आपको pair of linear equation given है इसको आपको substitution method से भी solve करना है और cross multiplication method से भी solve करना है. तो एक एक करके दोनों method use करेंगे हम. सबसे पहले equation क्या given है वो देख लेते हैं. Given equations are 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको. सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन से x को y के टर्म्स से हम लिखेंगे. ठीक है, x को y के टर्म्स में लिखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, वी कैन राइट 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y. आप 5y को RHS में ले जाएंगे तो वो 9 से सब्ट्रैक्ट होगा, विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y ओवर 8. तो अब ये जो x की वैल्यू आपको मिली है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y ओवर 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 2 क्या आपका 3x, x के प्लेस पे अब आप लिखेंगे 9 माइनस 5y ओवर 8 प्लस 2y एज सच इज इक्वल टू 4. सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये 9 3 हो जाएगा 27 माइनस 5 3 जा 15y ओवर 8 प्लस 2y एज सच इज इक्वल टू 4. अब इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम एक काम करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही आप इस इक्वेशन को थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और वो मल्टीप्लीकेशन वाला 8 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 27 माइनस 15y और फिर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा 2y, तो आपको मिलेगा 16y इज इक्वल टू 8 फोर जा 32. अब ये आसान हो गया आपके लिए. देखिए माइनस 15y प्लस 16y से आपको मिलेगा y और ये 27 एज सच है, बीच में प्लस का सिंबल आएगा. ठीक है, 27 और माइनस 15y प्लस 16y से आपको मिलेगा प्लस y इज इक्वल टू 32, विच गिव्स अस y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, जिससे आपको मिल जाएगा y एज 5. और जैसे ही आपको y की वैल्यू पता चल गई अब आप यहाँ पे पुट करके x पता कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 हियर वी गेट x एज 9 माइनस 5 इंटू 5 ओवर 8, विच गिव्स अस x as 9 minus 25. देखिए 5 into 5 25 होता है, 9 minus 25 से आपको मिलेगा minus 16 over 8, तो इससे आपको x मिल जाएगा minus 2. ठीक, तो finally जो इस pair of linear equation का solution है वो क्या है, x is equal to minus 2 and y is equal to 5. ये हमने substitution method से solve किया है, हमको cross multiplication से भी solve करना है, तो उसको आगे देखते हैं. चलिए अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं वी आर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, मतलब आरएचएस में आपको जीरो चाहिए. तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा आपका 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. और अब जब आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a1 मिलेगा 8, b1 इज 5 एंड c1 इज माइनस 9. सिमिलरली a2 इज 3, b2 इज 2 एंड c2 इज माइनस 4. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम करते क्या, ये मैं आपको समझा चुका हूँ तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ. देखिए x, y और ये 1, बीच में इक्वल टू का सिंबल. ठीक, x के नीचे आने वाला है b1 b2 c1 c2 और y के नीचे आएगा आपका c1 c2 a1 a2 और फाइनली 1 के नीचे आएगा a1 a2 b1 b2. और हम करेंगे क्या, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, चलिए वैल्यूज पुट करता हूँ मैं. x ओवर b1 आपके पास है 5, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ. देखिए b1 5 है आपका, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, c2 से. c2 की वैल्यू कितनी, माइनस 4, तो 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20, बीच में माइनस का सिंबल आएगा. b2 इंटू c1 करना है आपको, b2 है आपका
टू और सी वन इज माइनस नाइन, तो टू इंटू माइनस नाइन इज माइनस एटीन और यहाँ माइनस पहले से तो प्लस एटीन हो जाएगा, वो इज इक्वल टू वाई ओवर सी वन इंटू ए टू, सी वन इज माइनस नाइन ए टू इज थ्री, माइनस नाइन इंटू थ्री से होगा माइनस ट्वेंटी सेवन, माइनस ऑफ सी टू इंटू ए वन, सी टू इज माइनस फोर ए वन इज एट, तो एट फोर से थर्टी टू होता है और ये माइनस है तो माइनस थर्टी टू और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा थर्टी टू, इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन इंटू बी टू, ए वन इज एट इंटू बी टू इज टू, तो एट टू इज़ सिक्सटीन, माइनस ए टू इंटू बी वन, ए टू इज थ्री इंटू बी वन इज फाइव, थ्री फाइव इज़ फिफ्टीन, तो ये आपको मिलेगा फाइनली एक्स अपॉन माइनस ट्वेंटी प्लस एटीन से आपको मिलेगा माइनस टू, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी टू विल गिव यू फाइव, इज इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन इज वन। अब हम क्या करेंगे, एक बार x को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा x बाय माइनस टू को, और एक बार इनको इक्वेट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, सो विच गिव्स अस x अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू वन, जिससे आपको फाइनली x मिल जाएगा माइनस टू। लाइकवाइज y बाय फाइव इज इक्वल टू वन, विच गिव्स अस y इज इक्वल टू फाइव, और आपको अगर ध्यान है सब्सटीट्यूशन मेथड से जब हमने सॉल्व किया था तब भी हमको यही दोनों वैल्यूज मिले थे, और एक्चुअली आंसर सेम आना चाहिए दोनों मेथड से, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, और एल्स आपसे कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हुई है। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन, लेट अस नाउ मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन।